वेलकम टू द सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल डंग की एपिसोड 10 में आप लोग देखेंगे हैदर, जिसने अमल की हकीकत जान ली है और वो अब अमल से शादी नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो घर से चला गया। मगर वहाँ पर सफ़ीर को करनी पड़ी अमल से शादी। जैसे ही सफ़ीर की अमल से शादी होती है, अंदर से तो अमल टूट चुकी है, मगर फिर भी वो ब्रिटेंट इस तरह से करती है कि वो बहुत खुश है सफ़ीर के साथ, क्योंकि वो हैदर को जलाना चाहती है। अब जब जब हैदर उसके सामने आता है, वो सफ़ीर के साथ हंस हंस के बातें करती है और ये सब कुछ हैदर से बर्दाश्त नहीं होता। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। तो द नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे अमल की ये ड्रामेबाजियाँ। देखकर हैदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मौका देकर उसे बात करने की कोशिश करते हैं कि तुमने प्रोफेसर के साथ ये सब कुछ क्यों किया, कसूर क्या था उसका और क्यों बोला मुझसे झूठ और मुझे भी अपनी इस गेम में शामिल किया। वहाँ पर अमल चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई जवाब तो था नहीं। जिसके बाद सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं तो वो ये कहती है, हैदर ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। वहाँ पर हैदर का बाप हैदर को धक्के देकर घर से निकाल देता है और ये कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अमल की ये हरकत हैदर को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रोफेसर हुमायूं के दिल पर क्या गुजर रही थी जब अमल ने ये सब कुछ उसके साथ किया और उसे सारी दुनिया गलत समझ रही थी, इसी वजह से शायद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब हैदर को अमल पर शदीद गुस्सा है, इसी वजह से उसे किडनैप करता है। किडनैप करने के बाद उसे पूछने की कोशिश करता है, मगर अमल फिर भी कुछ नहीं बताती। सो फिर आप लोगों को क्या लगता है, आखिर कब तक अमल ये सच्चाई सबसे छुपा के रखेगी और कब तक अमल का ये रूप लोग देखने से कासे रहेंगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। सुपर इंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट। अल्लाह हाफिज़।